सबसे पहले देखते हैं कंप्रेसर मशीन का इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट को समझाने के लिए मैंने आपको कुछ स्टेप्स कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करवाए हैं यहाँ पे, एक बार उसको देख लेते हैं। पहला है आपका द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ गैस यूजुअली एयर बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड कंप्रेसर। फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि वह प्रोसेस जिसमें किसी भी गैस या फिर एयर को हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं और उसके वॉल्यूम को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, वो कहलाता है आपका कंप्रेसर मशीन। ठीक है। सेकंड आता है द कंप्रेसर इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कंप्रेसेस गैसेस। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि कंप्रेसर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि गैस को कंप्रेस करने के काम करती है, जैसे हम लोग जनरली एयर लेके चलते हैं। अ कंप्रेसर कंप्रेस द लो प्रेशर गैस एंड डिलीवर्स एट हाई प्रेशर इन द राइट क्वालिटी। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, जो कंप्रेसर मशीन होती है वो एटमॉस्फेयर से लो प्रेशर एयर को लेती है और हाई प्रेशर एयर में डिलीवर करती है। फिर आता है आपका फोर्थ पॉइंट, ए कंप्रेसर यूज्ड फॉर कंप्रेसिंग एयर इज कॉल्ड एन एयर कंप्रेसर। सिंपल सी बात है, इसमें एक सेंटेंस रखा हुआ है कि जो मशीन कंप्रेस करती है एयर को वो कंप्रेसर मशीन कहलाती है, एयर कंप्रेसर मशीन कहलाती है। एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज सर्व इन टू द कंप्रेसर। जैसे मैं आपको बताया कि क्या करते हैं, लो प्रेशर एयर को बाहर से एयर से एटमॉस्फेयर से क्या करेंगे, सक करेंगे एंड उसको कंप्रेस करके हाई क्वालिटी एयर या फिर हाई प्रेशर एयर डिलीवर करेंगे। फिर आपका आता है ना लास्ट वन आता है द कंप्रेसर द देन कंप्रेसेस एयर टू अ हाई प्रेशर एंड डिलीवर्स इट टू अ स्टोरेज टैंक। यहाँ पे मैं स्टोरेज टैंक का इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि स्टोरेज टैंक कोई भी कंप्रेसर मशीन के बाद में क्यों लगाना चाहिए। इसमें पॉइंट में ये बोल रहा है कि कंप्रेसर मशीन क्या करता है, जो भी कंप्रेस करता है बाहर से एयर को लो प्रेशर एयर को शक करेगा है ना, उसको अपन हाई प्रेशर एयर में क्या करेगा, डिलीवर करेगा। बट इसको एक कंटेनर सा होता है जिसको हम लोग रिसीवर टैंक बोलते हैं, उसमें ये क्या करता है, स्टोरेज करने का काम करता है। ये आपको बताऊंगा कैसे यूज होता है स्टोरेज टैंक। सो इसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देख लिया इन कुछ पॉइंट्स को। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स जो इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। इसको और डीपली देखते हैं हमारा इसके टाइप से। तो कंप्रेसर मशीन के जनरली दो टाइप होते हैं, एक होता है डायनामिक डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, दूसरा होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। तो कंप्रेसर मशीन यूजुअली दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। आज हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर मशीन में। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर मशीन भी दो टाइप के होते हैं, पहला आपका आता है रेसिप्रोकेटिंग, दूसरा आता है रोटरी कंप्रेसर। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहला आता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मशीन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसके दो टाइप होते हैं, एक रेसिप्रोकेटिंग होता है, एक स्क्रू कंप्रेसर होता है। किसका, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का। इसमें मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मशीन क्या होता है, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर दैट ऑपरेट बाय यूजिंग अ पिस्टन विद इन द सिलेंडर ऑफ अ कंप्रेस गैस और एयर। द की फीचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। देखिए आपको एक मेरे इस डायग्राम में स्लाइड में कंप्रेसर मशीन दिख रही होगी। कंप्रेसर मशीन में यूजुअली मेन मेन जो पार्ट होते हैं मैं उसको एक बार डिस्क्राइब करता हूँ। पिस्टन एंड सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट एंड कनेक्टिंग रॉड, सिलेंडर हेड, मोटर और इंजन, लास्ट वन है आपका रिसीवर टैंक। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक नीचे आपको रिसीवर टैंक दिख रही होगी जहाँ पे हवा को स्टोर करते हैं, ऊपर में आपको बेयर दिख रहा होगा, पिस्टन सिलेंडर एंड में दिख रहा होगा, उसके साथ में एक मोटर दिख रहा होगा। इसको मैं अच्छे से नॉमिनेशन करके नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ कि कौन कौन सा पार्ट क्या क्या कहलाता है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर वाली स्लाइड में आपको एक स्टोरेज टैंक दिख रही है। स्टोरेज टैंक के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, माउंटेड करके रखते हैं। किसको इसको माउंट करते हैं, एक आता है आपका मोटर जिसको हम लोग क्या करते हैं, उसको माउंट करके रखते हैं टैंक के ऊपर। दूसरा आता है आपका बेयर वाला पार्ट, इसमें आपको कंप्रेसर मशीन जैसे लिखा हुआ है वो कहलाता है बेयर कंप्रेसर मशीन, जो कि हवा को लो प्रेशर एयर को शक करता है। फिर आता है आपका एयर फिल्टर, प्रेशर गेज। प्रेशर गेज जो होता है प्रेशर मेजरमेंट करता है कि हमको जो डिलीवर एयर मिल रहा है वो कितना प्रेशर का मिल रहा है, 10 बार है, 13 बार है, 14 बार है, कितने बार का प्रेशर हमको डिलीवर मिल रहा है आउटलेट पे। तो ये मेन मेन मेजरमेशन पार्ट होते हैं। मैं आपको इसका जो बेयर वाला पार्ट है उसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि कैसे वर्किंग करता है और ये पूरा कैसे वर्किंग करके स्टोरेज टैंक में हवा कलेक्ट करता है। तो इसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा होता है बेयर वाले पार्ट में।
ये आपका आपको दिख रहा होगा, इसमें एक क्रैंकशाफ्ट है, पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा हुआ है, कनेक्टिंग रॉड है। तो क्या होता है कि जैसे एक यहाँ पे आउटलेट पे एक फिल्टर लगा होता है, एयर फिल्टर। तो क्या करेगा, एयर फिल्टर बाहर से लो प्रेशर एयर को क्या करता है, सक करता है। लो प्रेशर एयर को सक करेगा तो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पे जाएगा। तो ये क्या करता है, लो प्रेशर एयर को सक करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। सेकेंड प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस आया सक्शन का, जो कि एयर फिल्टर लगा होता है। एयर फिल्टर क्या करता है, जैसे गाड़ियों में क्या होता है, एयर फिल्टर लगाने का मेन मकसद होता है जो धूल कण होते हैं उसको, डस्ट को, पार्टिकल को रोकना होता है। वैसे ही हम जब एयर जो भी ये सक करेगा, बेयर वाला पार्ट जो है, तो बाहर में एटमोसफेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होंगे, उसको क्या करता है, रोकता है सक करने के टाइम में। तो जब सक करेगा हवा को, तो एयर फिल्टर क्या करेगा, जो डस्ट पार्टिकल उसको रोकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एयर को सक करता है। तो एयर को सक करेगा, उसके बाद पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो होता है हमारा, वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा उस हवा को, क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करेगा तो क्या करेगा, हाई प्रेशर एयर डिलीवर, वहाँ पे हाई प्रेशर एयर जनरेट करेगा। ठीक है, तो कंप्रेस किया, कंप्रेस करने से क्या हुआ, उसमें प्रेशर इंक्रीज हो गया, जो आपका बाहर का लो प्रेशर था। उसके बाद क्या करेगा, ये डिलीवर करेगा, ये हो गया हाई प्रेशर में, क्या हो गया, सर्कुलेट हो गया हाई प्रेशर एयर में, क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। उसके बाद इसको क्या करेगा, बाहर में डिलीवर कर देगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, बाहर से हवा सक करता है लो प्रेशर एयर को, और ये क्या करता है, कंप्रेस करके हाई प्रेशर एयर में डिलीवर करता है। इसमें और भी डिटेल्स में आपको बात कर सकता हूँ, बट मेरे को लगता है कि ज़्यादा जानना फिलहाल अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको सिर्फ बेसिक्स पता होना चाहिए कि कंप्रेसर मशीन कैसे काम करती है। तो ये बेयर वाला पार्ट होता है, जो कि लो प्रेशर एयर को क्या करेगा, सक करेगा, देन हाई प्रेशर एयर में डिस्चार्ज करेगा। इसमें जो जो मेन मेन पॉइंट है, जो जो मेन मेन पार्ट्स हैं, मैंने इसमें बता दिया, मोटर है, बेयर है, एयर रिसीवर टैंक है। सो इस टाइप से ये काम करता है। हाँ, यहाँ पे रिसीवर टैंक का मेन वर्किंग क्या होता है, तो क्या होता है कि कंप्रेसर मशीन को चलाने के लिए मोटर की जरूरत होती है। तो मोटर क्या करता है, रोटेट करने का काम करता है। इसमें जो मोटर है वो पुल्ली से अटैच रहता है, उसकी जो शाफ्ट होती है वो पुल्ली से कनेक्ट होती है, और जो बेयर वाला पार्ट है उसकी भी पुल्ली क्या रहती है, बेल्ट के थ्रू मोटर से कनेक्ट रहती है। जब मोटर क्या होगा, मूव होगा, तो ये क्या करेगा, जो बेयर वाला पार्ट है वो भी मूव करेगा, उससे क्या होगा, पिस्टन सिलेंडर भी मूव करेगा, और वो क्या करेगा, बाहर के एयर को सक करके हाई प्रेशर एयर में डिलीवर करेगा। ये पूरा कंटिन्यू चलते रहता है। आपको रिसीवर टैंक के ऊपर, स्टोरेज टैंक के ऊपर एक ब्लू कलर की पाइप दिख रही होगी, जिसमें क्या होता है कि जो बेयर जो हवा बनाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज टैंक में इकट्ठा करते हैं। तो बेयर वाला पार्ट क्या करेगा, जब से हवा बनाएगा स्टोरेज टैंक में इकट्ठा करते जाएगा। तो इससे क्या होता है कि हमको कभी कभी, जैसे लाइट गोल हो गया मान के चलो, और इससे क्या होता है कि जैसे लाइट गोल हो गया तो हम क्या करेंगे कि जैसे मेरे को जो कंप्रेसर मशीन है वो वर्किंग करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो वर्किंग करेगा तभी हमको एयर मिलेगा। रिसीवर टैंक में मैंने क्या किया, स्टोर करके रखा हुआ है, वो एयर मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये अपना जनरली वर्किंग होता है कि कंप्रेसर मशीन में जो बेयर पार्ट होता है वो मोटर की हेल्प से मूव करेगा, और वो लो प्रेशर एयर को हाई प्रेशर एयर में डिलीवर करेगा, और उसको स्टोरेज टैंक में इकट्ठा करेंगे। ये होता है वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मशीन। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन, रोटरी स्क्रू कंप्रेसर।